नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब? बढ़िया हो गया। द रचना यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत है। तो चलिए आज के सम्स की ओर आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल एबीसी है, उसमें हमें तीन जो मध्य का जिससे हम मीडियन कहते हैं, एडी, बीई और सीएफ दिए गए हैं, और हमें यह प्रूव करना है 4 ब्रैकेट में एडी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर प्लस सीएफ स्क्वायर ब्रैकेट ओवर इज इक्वल 3 ब्रैकेट में एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर ब्रैकेट ओवर। तो सबसे पहले हमें एक यहाँ पर जो ट्रायंगल दिया गया है वो दिखाना है। ट्रायंगल एबीसी, उनका नाम दे दीजिए ए बी और सी। ओके, और सबसे पहले हमें एक ही जो मीडियन है यहाँ मध्य का, जो एक मीडियन है उसको ही हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। बराबर, ये रहा ए डी। ये जो डी है वो बी सी जो लेंथ, बी सी जो साइड है उसको सेंटर में बराबर इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए हम इसको ए डी जो है उसे हम मीडियन कहते हैं। बराबर, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो बी डी है वो उसकी लेंथ कितनी मिलेगी हमें, बी डी की लेंथ कितनी मिलेगी? तो ये डी है वो सेंटर में है, उस हिसाब से जो बी सी है उसका हाफ रहेगा बी डी, यानी कि हम लिख सकेंगे बी डी इज इक्वल 1.5 बी सी। ओके चलो, अब हम यहाँ पर जो एपोलोनियस है बराबर, उनके थियरम के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। क्या एपोलोनियस, बराबर एपोलोनियस जो है उसका जो थियरम है, उसका थियरम क्या है? जो मीडियन है उनकी लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर, ये दोनों साइड को हमें यहाँ पर लिखनी है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट में मीडियन लेना है ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ओके, अब तो ब्रैकेट हम यहाँ पर निकाल देंगे, टू ए डी स्क्वायर टू बी डी स्क्वायर, यहाँ पर ये जो टू है उसको ए डी के स्क्वायर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम इसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे। ओके, और अभी क्या आगे करना है हमें, ये टू लिखना है और बाद में बी डी का जो स्क्वायर है, यहाँ पर बी डी की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर लिखनी है 1.5 बी सी स्क्वायर, क्योंकि बी डी का स्क्वायर है तो उसकी जो हम वैल्यू लिखेंगे उसका भी स्क्वायर रहेगा यहाँ पर, टू ए डी स्क्वायर प्लस टू, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और 2 का 4 हो जाएगा बी सी स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर जो 2 है उसको हम 4 के साथ कट करेंगे तो 2 2 4, यानी हमें यहाँ पर कितना मिलेगा आंसर, 2 ए डी स्क्वायर प्लस ये 2 यहाँ पर कट हो गया 1/2 बी सी स्क्वायर, और ये जो है यहाँ पर हमें इसी तरह से उसको एज इट इज़ यहाँ पर लिखना है। अब हमें क्या करना है, ये जो 1/2 बी सी स्क्वायर है उसकी हमें साइड चेंज करनी है। बराबर, जो यहाँ पर प्लस है उसकी साइड चेंज करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो इस तरफ आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 1/2 बी सी स्क्वायर इज इक्वल 2 ए डी स्क्वायर। बराबर, ये जो हमें मिल रहा है ये हमारा यहाँ पर है पहला परिणाम है, तो इसको नंबर हम 1 दे देंगे। इसी तरह हमें और अलग अलग से 2 परिणाम मिलेंगे। बराबर, हमने एक ही मीडियन यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है ए डी मीडियन है, उसकी दोनों साइड ली है। देखो ये ए डी मीडियन है बराबर, उनके दोनों साइड है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और माइनस किया है जो थर्ड साइड है उसका हाफ बराबर 1.5 बी सी स्क्वायर, और इज इक्वल क्या मिल रहा है हमें, 2 ए डी स्क्वायर, जो ए डी हमारी मीडियन है बराबर, जिसे हम गुजराती में मध्यगा कहते हैं, जो मध्य में रहती है। तो इस हिसाब से हमें और 2 बी ई और सी एफ 2 मध्यगा यहाँ पर ड्रॉ करनी है, और दोनों का जो ट्राइंगल है वो अलग से हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, और उस हिसाब से हमें इजीली जो परिणाम मिलेगा वो लिख सकेंगे। देखिए पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पर बी ई बराबर, तो ये जो हमें मध्यगा यानी कि मीडियन मिल रहा है तो उस हिसाब से हमें कौन सा परिणाम मिलने वाला है यहाँ पर बराबर, तो क्या मिलेगा हमें, तो उनकी जो मीडियन की 2 साइड लेनी है, एक ए साइड और एक दूसरी साइड, वो ये थर्ड साइड है उसका हमें हाफ करना है बराबर। इस तरह से हमें देखिए ए बी का स्क्वायर
प्लस बी सी स्क्वायर माइनस वन बाय हाफ, थर्ड साइड कौन सी है ए सी, उनका स्क्वायर और मल्टी डबल करेंगे हम जो मीडियन है बी ई और उनका भी स्क्वायर, ये हमें दूसरा एक परिणाम मिल गया है। और इसी हिसाब से ये पहला मीडियन लिया हमने ए डी, दूसरा मीडियन लिया बी ई और हम तीसरा मीडियन लेंगे तो फिर से एक नई यहाँ पर आकृति ड्रॉ करेंगे ए बी और सी, और तीसरा मीडियन हमें कौन सा लेना है सी एफ। ओके, तो जो मीडियन हमने लिया है हमें लेना है बराबर दोनों साइड में जो आ रही है लेफ्ट राइट साइड जो है एफ सी की, उसका स्क्वायर हमें निकालना है अपोलोनियस के प्रमेय के हिसाब से। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर और वन ऑफ कौन सा, किसका वन ऑफ करेंगे हम जो हमारी थर्ड साइड है ना ए बी, और इज इक्वल टू जो मीडियन है एफ सी, और उसका हम अलग अलग तीन परिणाम मिल चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, तीनों के तीनों जो परिणाम है और एलसीएम निकाल के बाद में हम तीनों को ऐड करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं बराबर, तो यहाँ पर देखिए दो लिखा हुआ है डिनोमिनेट में, तो यहाँ पर भी दो रहेगा और नीचे भी दो रहेगा। अभी आपको मालूम है डिनोमिनेट में हम टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना नोमिनेट में, तो उस ऊपर की ओर कितना हो जाएगा टू ए बी स्क्वायर प्लस टू ए सी स्क्वायर माइनस, ये टू निकल जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर एलसीएम लिया है, और यहाँ पर नीचे की ओर हम टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर की ओर भी टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फोर ए डी स्क्वायर, ये जो हमारा पहला परिणाम इस तरह से रहेगा। और इस तरह से इसका भी हम चेंज करेंगे, तो यहाँ पर भी देखिए दो है एलसीएम लेना पड़ेगा, तो नीचे यहाँ पर हम दो एलसीएम लेंगे तो ऊपर भी दो आ जाएगा, तो टू ए बी स्क्वायर प्लस टू बी सी स्क्वायर माइनस, ये निकल जाएगा पूरा ए सी स्क्वायर रहेगा, और नीचे की ओर टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फोर बी ई स्क्वायर, ये हमारा दूसरा परिणाम है। और इसी तरह हमें यहाँ पर भी चेंज करना है, यहाँ पर टू एल सी एम हमें लेना है तो टू एल सी एम हम लेंगे, तो हर एक की ओर मल्टीप्लाई टू को हमें करना पड़ेगा बराबर। देख सकते हैं यहाँ नीचे की ओर हम समझो कि टू मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी टू को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो टू बी सी स्क्वायर प्लस टू ए सी स्क्वायर माइनस, ये निकल जाएगा पूरा क्योंकि एल सी एम में हमने उसको ले लिया है ए बी स्क्वायर, और यहाँ पर नीचे की ओर डिनोमिनेट में टू को मल्टीप्लाई करेगा तो ऊपर भी टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टू और टू फोर एफ सी स्क्वायर, ये हमारा तीसरा परिणाम। और हम इन सब को एक साथ ऐड करेंगे, हाँ हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वन टू और थ्री तीनों को ऐड कर सकते हैं ऐसा, और इस तरह से भी हम ऐड कर सकते हैं। देखिए किस तरह से हम ऐड करते हैं, ए बी देखो यहाँ पर ए बी स्क्वायर टू टाइम और टू टाइम, तो कितनी टाइम हो जाएगा फोर टाइम, और उसमें से ये ए बी स्क्वायर वन टाइम है उसको हम माइनस करेंगे, फोर टाइम है बराबर ना, उसमें से वन टाइम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा थ्री टाइम, कौन बचेगा तो ए बी स्क्वायर। चलो अब दूसरा ले लेते हैं ए सी स्क्वायर, यहाँ पर भी है टू टाइम, यहाँ पर टू टाइम है, टू और फोर और एक माइनस करेंगे तो कितना बचेगा थ्री ए सी स्क्वायर। और इसी हिसाब से अब ये देखो ए आ गया, ए आ गया, फिर कौन सा बी सी बाकी है ना, तो बी सी स्क्वायर यहाँ पर टू टाइम है और यहाँ पर भी टू टाइम है, तो टू और टू कितना हो जाएगा फोर, और फोर में से ये बी सी स्क्वायर माइनस रहेगा तो थ्री बी सी स्क्वायर बराबर। उसकी दूसरी साइड पर हम चले जाते हैं, यहाँ पर देखिए तीनों के तीनों साइड पर हमें ये फोर है वो कॉमन दिख रहा है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं और बाकी की जो साइड है उसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे, जिस तरह से ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एफ सी स्क्वायर। ओके, और ये जो साइड है यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें तीन कॉमन दिख रहा है, तो हम तीन को कॉमन ले लेंगे और बाकी का ब्रैकेट में ले लेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल फोर ए डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर। तो ये रहा हम